नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। चीन के लिए कहा जाता है कि आप उसे कोई भी सामान दिखा दो तो वो उसका डुप्लीकेट बना देगा। नकली चीज बनाने में अव्वल है चीन। लेकिन चीन के इतिहास में एक अखबार के हवाले से जो खबर सामने आई है वो अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है। जीरो हेज वेबसाइट के हवाले से एक खबर सामने आई, उसके अनुसार चीन के गोल्ड रिजर्व का 4% से ज्यादा यानी कि लगभग 83 टन सोना नकली है। और तो और यह घपला किया है चीन की एक सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने जिसका हेडक्वार्टर वुहान में है। किंग गोल्ड ज्वेलरी कंपनी ने चीन की 14 फाइनेंशियल कंपनियों से पिछले 5 सालों में $2.8 बिलियन यानी कि लगभग 21,148 करोड़ रुपए का लोन लिया। यह लोन लेने के लिए कंपनी ने 83 टन नकली गोल्ड बार जमानत के तौर पर रखे। इसे हाल के इतिहास में चीन का सबसे बड़ा सोने का घोटाला माना जा रहा है। इस घोटाले में फिर से वुहान शहर का नाम आया है जहां से पिछले 6 महीने पहले ही दुनिया में कोरोना वायरस फैला। अब आपको उस कंपनी के बारे में भी बता देते हैं जिसने ये फर्जीवाड़ा किया। किंग गोल्ड ज्वेलरी कंपनी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। यह दुनिया की सबसे बड़ी निजी कंपनी है जो सोने का काम करती है। इसका मार्केट कैप $8 मिलियन यानी कि लगभग 7.41 करोड़ रुपए का है। कंपनी के मालिक हैं पूर्व मिलिट्री अफसर जिया जिंगहो। जीरो हेज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक किंग गोल्ड ज्वेलरी कंपनी ने 16 बिलियन युआन यानी कि लगभग 17,017 करोड़ रुपए के लोन के लिए बतौर जमानत सिक्योरिटी और बीमा के लिए 83 टन सोने की ईंटें बिस्किट रिजर्व में रखवाए थे। लेकिन जांच में पता चला कि ये सोने की बिस्किट नहीं बल्कि तांबे। आपको यह भी बता दें कि अब ये लोन 30 बिलियन युआन यानी कि 32,073 करोड़ की संपत्ति से वसूला जाएगा। वसूली करने का काम चीन की बीमा कंपनी PICC प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी कोऑपरेटिव लिमिटेड करेगी। साथ में कुछ अन्य छोटी बीमा कंपनियां भी इस काम में मदद करेंगी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इस साल फरवरी में किंग गोल्ड कंपनी ने डोंगगुआन ट्रस्ट को लिमिटेड का लोन नहीं दिया। तब कंपनी ने किंग गोल्ड द्वारा बतौर जमानत सोने की ईंटें निकलवाई। उसकी जांच की तो पता चला कि यह सभी सोने की ईंटें तांबे। इसके बाद किंग गोल्ड कंपनी को सबसे ज्यादा लोन देने वाली कंपनी चाइना मिंगशेंग ट्रस्ट ने अदालत से आदेश जारी करवाया कि किंग गोल्ड की ओर से बतौर जमानत रखे गए सोने की ईंटों की जांच की जाए। 22 मई को पता चला कि मिंगशेंग के पास रखे सोने की ईंटें भी तांबे की ही हैं। किंग गोल्ड के मालिक जिया जिंगोन का बयान भी आपको बता देते हैं कि इस फ्रॉड पर उनका क्या कहना है। जिया ने कहा है कि हमने कहीं भी नकली गोल्ड बार्स नहीं रखे, ना ही उसे जमानत के तौर पर उपयोग किया। किंग गोल्ड कंपनी 2002 में स्थापित की गई थी, तब यह एक सोने की फैक्ट्री हुआ करती थी। बाद में यह कंपनी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई, लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद इस कंपनी का नाम खराब हुआ है, इसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो गई और चीन की भी काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो रही है।